देश में हमसे बड़ा गुंडा क्या जी? अपने की माफिया हुई यहाँ बहुत टाप कम है, वो राजभर के सलाम कर। कल तक जो गुंडाई करने वाले लोग थे वो ओम प्रकाश राजभर को सलूट मारते हैं। नमस्कार आदाब, मैं अलीजा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया खबर देवरिया जनपद से। ओम प्रकाश राजभर ने खुद को बताया सबसे बड़ा गुंडा, खुद को माफिया कहने वाले उनको सलाम करते हैं। उनके बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बेतुका बयान, इसमें वो खुद को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा गुंडा बताते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, राजभर ये भी कहते हैं कि खुद को माफिया कहने वाले उनको सलाम करते हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब वो यूपी के देवरिया एक परिवार से मिलने पहुंचे थे। मालूम होगी थाना लाल क्षेत्र के ग्राम धंधवान मठिया में 29 मार्च को प्रभुनाथ राजभर के बेटे अमित राजभर नाम के युवक के पड़ोसी गांव में दबंगों ने मामूली बात पर पिटाई की थी। इसके बाद इलाज के दौरान लड़के ने दम तोड़ दिया था। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीण ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ओम प्रकाश राजभर परिवार को संतावना देने गांव पहुंचे थे, उसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया था। वहीं इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया। सुनिए ओम प्रकाश राजभर का बेतुका बयान। देवरिया से भारत मीडिया के लिए नदीम खान की रिपोर्ट। सर, आप आज मठिया गांव में आए हैं और मृतक के परिवार से मिले, क्या आश्वासन दिया आपने और मृतक के परिवार को क्या सहयोग होगा? देखिए, घटना की जानकारी तुरंत हम लोगों को हुई। उस संबंध में हम लोगों की पार्टी के नेता सुनीता राजभर हों चाहे जिला अध्यक्ष हों और हमारे नेता लग करके पहले तो घटना के बाद एफआईआर के बाद गिरफ्तारी, तो पुलिस ने गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने की तैयारी में लगी है। परिवार को एसडीएम से डीएम से हम लोगों की बात हुई, हमारी खुद बात हुई है। इनके आर्थिक सहयोग के संबंध में जो सहायता सरकार से मिल सकती है उसको दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे अपराधियों पे क्या सरकार का बुलडोजर चलेगा? अब गिरफ्तार नहीं होते तो बुलडोजर तो चलवे करता, तो ये सवाल तो मैं आपसे सोचा था कि करूँगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आपके सवाल का उत्तर हम दे ही देते। मंत्री जी, जैसे काफ़ी संगठन अपने कार्यकर्ताओं को या जैसे कि अपने जात बिरादरी के जो संगठन हैं उसमें तत्काल सहायता कुछ उपलब्ध कराते हैं, तो क्या आपके संगठन की तरफ से भी कोई सहायता उपलब्ध होगी क्या परिवार? बिल्कुल कराएंगे। सर, एक आपने अपने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक सवाल रखा है कि प्रदेश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, इस पर क्या कहना, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? कल तक जो गुंडाई करने वाले लोग थे वो ओम प्रकाश राजभर को सलूट मारते हैं। क्या कहें, मुझे नहीं कहना चाहिए। प्रदेश में नहीं देश में हमसे बड़ा गुंडा क्या है? जी, अपने की माफिया हुई यहाँ बहुत टाप कम है, वो राजभर के सलाम करते आर्थिक वजह से सब।